पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में रुचि वीरा 1,03,000 वोटों से जीत गई तो वहीं भाजपा के सर्वेश सिंह हार गए। इरफान सैफी तीसरे नंबर पर रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा ने चुनाव जीतते ही सबसे पहले जेल में बंद सपा नेता आजम खां को थैंक्स कहा। रुचि वीरा ने अखिलेश से पहले आजम खां का नाम लेते हुए कहा कि मैं उन्हीं की सरपरस्ती में राजनीति करती हूँ, मुझे उन्होंने ही टिकट दिलवाया और आज मैं उन्हीं की वजह से सांसद बनी हूँ। मैं दुआ करूंगी कि ऊपर वाला उनकी मुसीबतों को जल्द से जल्द कम करे और उन्हें सेहत फरमाए। जीतने के बाद मंडी समिति में मीडिया से बात करते हुए रुचि वीरा बोली, आजम खान जेल में बंद है, इतने मुश्किल दौर में भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मैं दिल की गहराइयों से उनकी शुक्रगुजार हूँ। वो मेरे सरपरस्त हैं, मैं दुआ करूंगी कि उन्हें जल्द से जल्द फर्जी मुकदमों से राहत मिले, उन्हें जानबूझकर झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से पहला मौका है जब मुरादाबाद को महिला सांसद मिली है। उन्होंने भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह को 1,00,000 से अधिक मतों से हराया है। रुचि वीरा बिजनौर की रहने वाली है। चुनाव के दौरान उन्होंने सपा के सिटिंग सांसद डॉक्टर एसटी हसन का विरोध भी झेला था। क्षेत्र के लोगों का, सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों का, चाहे वो सिख समाज के हों, ईसाई समाज के हों, दलित समाज के हों, चाहे कोई भी बिरादरी के लोग हों, सब लोगों ने मुझे वोट देने का काम किया है, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के दिन मोहम्मद आजम खान साहब का, जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाया, मुझे मेरी, मैं उनकी सरपरस्ती में सालों से राजनीति करती हूं, उनका उनकी जो छत्र छाया है ऊपर वाला उनकी मुसीबतों को कम करे और भाई वो जो है उनकी उनको सेहत दे ऊपर वाला। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूं और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती। पार्टी का भाई बहुत बड़ा रोल होता है बड़े चुनाव में, कोई व्यक्ति का होता है, लेकिन व्यक्ति एक चुनाव मनाने का माहौल बना सकता है, कैंडिडेट या उसके सब साथी, लेकिन पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो भाई मुझ पे, एक महिला पे उन्होंने ये भरोसा जताया और देखिए मैंने जैसे बताया कि मैं मोहम्मद आजम खान साहब की सरपरस्ती में राजनीति करती हूँ और उन्होंने इतनी मुश्किल दौर में भी ख्याल रखा और ये देखा कि इलाके में कौन जो है वो काम करने वाला हो सकता है, कौन जीत सकता है। तो भाई मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि उनकी मुसीबतें कम हो, जो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है उससे उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिले। ये तो अपने क्षेत्र के जो भी मेरे सम्मानित मतदाता हैं उनका सबका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूँगी। भाई मुझे समय मिलेगा तो जरूर जाऊंगी, उनके हर सुख दुख में साथ रहने का काम करूंगी। कभी भी मेरे क्षेत्र के लोगों को ये निराशा नहीं होगी कि हमारी जनप्रतिनिधि महिला है और वो रात आधी रात को नहीं आ सकती, मैं आधी रात को भी उनके बीच में रहने का काम करूंगी और जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उनको सदन में उठाने का काम करूंगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।